अहमदाबाद में साल 2008 में हुए सीरियल ब्लास्ट के मामले में आरोपियों को अब सजा सुना दी गई है। 38 दोषियों को फांसी और 11 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। 8 फरवरी को सिटी सिविल कोर्ट ने 78 में से 39 आरोपियों को UAPA यानी गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत दोषी करार दिया था। इनमें से एक दोषी अयाज सैयद को जांच में मदद करने के एवज में बरी किया जा चुका है। इसके अलावा 29 और आरोपी भी सबूतों के अभाव में बरी हो चुके हैं। कोर्ट ने कहा कि इन धमाकों में मारे गए लोगों के परिजनों को 1,00,000, गंभीर घायलों को 50,000 और मामूली रूप से घायलों को 25,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। 26 जुलाई 2008 ये वही दिन था जब 70 मिनट में 21 बम धमाकों ने अहमदाबाद की रूह को हिलाकर रख दिया था। शहर भर में हुए इन धमाकों में कम से कम 56 लोगों की जान चली गई थी जबकि 200 लोग घायल हुए थे। धमाकों की जांच पड़ताल कई साल तक चली और करीब 80 आरोपियों पर मुकदमा चला। पुलिस ने अहमदाबाद में 20 FIR दर्ज की थी जबकि सूरत में 15 और FIR दर्ज की गई थी जहां अलग अलग जगहों से जिंदा बम भी बरामद किए गए थे। ब्लास्ट के बाद गुजरात की सूरत पुलिस ने 28 जुलाई और 31 जुलाई 2008 के बीच शहर के अलग अलग इलाकों से 29 बम बरामद किए थे। जांच में पता चला कि गलत सर्किट और डेटोनेटर की वजह से इन बमों में धमाका नहीं हो पाया था। ये ब्लास्ट आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन और बैन किए गए स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी सिमी से जुड़े लोगों ने किए थे। विस्फोट के कुछ मिनट पहले टेलीविजन चैनलों और मीडिया को एक ईमेल मिला था जिसमें कथित तौर पर इंडियन मुजाहिदीन ने धमाकों की चेतावनी दी थी। पुलिस का मानना था कि IIM के आतंकियों ने 2002 में गोधरा कांड के बाद हुए दंगों के जवाब में ये धमाके किए थे। इस मामले के आरोपी यासीन भटकल पर पुलिस ने नए सिरे से केस चलाने की तैयारी की है। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की विशेष टीम ने मात्र 19 दिन में इस मामले का पर्दाफाश किया था। अदालत की तरफ से सभी 35 FIR को एक साथ जोड़ देने के बाद दिसंबर 2009 में आरोपियों के खिलाफ मुकदमे की शुरुआत हुई थी। इनमें से एक आरोपी बाद में सरकारी गवाह बन गया था। मामले में बाद में 4 और आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया था लेकिन उनका मुकदमा अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। स्पेशल टीम ने महज 19 दिनों में 30 आतंकियों को पकड़कर जेल भेज दिया था। इसके बाद बाकी आतंकी देश के अलग अलग शहरों से पकड़े जाते रहे। अहमदाबाद में हुए धमाकों से पहले इंडियन मुजाहिदीन की इसी टीम ने जयपुर और वाराणसी में भी धमाकों को अंजाम दिया था। देश के कई राज्यों की पुलिस इन्हें पकड़ने में लगी हुई थी लेकिन ये एक के बाद एक ब्लास्ट करते चले गए। अहमदाबाद धमाकों के दूसरे दिन यानी 27 जुलाई को सूरत में भी सीरियल ब्लास्ट की कोशिश की गई थी लेकिन टाइमर में गड़बड़ी की वजह से ये विस्फोट नहीं हो पाए थे। इस मामले में देश के अलग अलग शहरों से कुल 78 लोगों को अरेस्ट किया गया था। ब्लास्ट में शामिल 8 और आरोपियों की तलाश अब भी जारी है। बता दें कि सीरियल ब्लास्ट का मास्टरमाइंड यासीन भटकल दिल्ली की जेल में जबकि अब्दुल सुभान उर्फ तौकीर कोचिन की जेल में बंद है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और IBC 24 के YouTube चैनल खबर विभाग को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।